एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज जल्दी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज यहाँ पे हमारे यहाँ आंध्रा में एक स्पेशल फेस्टिवल है जिसको श्रावण शुक्रवारम के दिन वरलक्ष्मी व्रतम बोलते हैं। ये एक्चुअली पिछले ज़मानों की कहानी रहती थी कि सपने में एक औरत को लक्ष्मी देवी आई और उन्होंने बोला कि अगर आपको आपके पति की हेल्थ या सबकी हेल्थ या मतलब ओवरऑल एक अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको ये व्रत रखना चाहिए, और उसके बाद जब आप व्रत करेंगे तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं आपको मिलेगी, मतलब एवरीथिंग, नॉट ओनली सोना चांदी या घर का वो सब नहीं, आपके हस्बैंड की लाइफ या उनकी हेल्थ, बच्चों की, ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहेगा, उन्होंने बोला। तो उस औरत ने जाके पूरे गांव में ये स्प्रेड किया और उस दिन से लेके आज तक ये प्रथा चलती आ रही है। और जब ये उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो जब पूजा करते थे, जब इस व्रत को फॉलो करते थे, तो ऑटोमेटिक जो है जब वो पूजा करने लगे, जब उनके आंखें बंद थी तो मैजिकली जो है उनके ऊपर गहने आ जाते थे और घर में जो भी ज़रूरत के आइटम थे वो सारे आ जाते थे। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलें कि तो ये पूजा जो है, जो भी आपकी लाइफ में आप कुछ सब कुछ अच्छा अगर चाहते हैं तो, मतलब वो ओनली लग्जीरियस लाइफ के लिए नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ अगर हैप्पी होनी है तो ये वाला जो है व्रत किया जाता था। तो आज यहाँ पे उस व्रत को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सारी जो लेडीज़ होती है बहुत ज़्यादा रेडी होती है। मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, रेडी मैं थोड़ी देर बाद होंगी। एक्चुअली हम वो सेलिब्रेट नहीं करते बट रेडी होने के लिए कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए, तो इसलिए मैं भी थोड़ा रेडी हो जाऊँगी। और साहिती आज जल्दी आ गई क्योंकि उनके यहाँ तो सेलिब्रेशन करते हैं, तो साहिती भी बहुत अच्छी तरह रेडी होके आई है, मेहंदी वेहंदी लगाई है, पूरे अलंकार करके आई है सारी चीज़ें। तो वो भी चाह रही थी, वो उसको मालूम था कि अगर मैं पहन के आऊँगी तो मेरे को पक्का दिखाएंगी, तो उसने बोला मैं आपके लिए ये पहन के आई हूँ कि ताकि आप मेरे को दिखाओ ये। तो चलो मैं अभी आपको साहिती को दिखाती हूँ। ये देखो साहिती, कितने बड़े बड़े झुमके पहने हैं साहिती ने और देखो सब कुछ सोने का लगा के आई है, ढाप लूंगी मैं अभी इसकी मम्मी फोन करके बोल रही थी आते टाइम ना ध्यान से आना, कोई ना ढापने ले, मैं ना पहले मैं ही चुरा लूंगी उसको तो बहुत अच्छी तरह ड्रेस पहना है ये। व्हाट इज दिस? कलंकारी प्रिंट। हाँ, आई हैव ऑल्सो वन। तो ये सब कुछ पहना है, देख लो देख लो, मैं तो बिल्कुल आज रेडी नहीं हुई हूँ, बहुत अच्छी तरह रेडी हुई हूँ। मेहंदी भी आया साहित्य ने लगाई है, देखो अच्छी लगाई है काफ़ी, अभी नाइस। तो अभी ट्यूशन भी ख़त्म हो गया है तो अभी वापस घर जा रही है, तो बीच में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अगर जो भी रेडी नहीं हुए हैं आज के दिन वो भी रेडी हो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में हो जाऊंगी तब आप देख लेना। तो चलिए अभी मैं साहिती को बाय बाय करती हूँ, वो जा रही है, तो यू ऑल्सो से बाय बाय। 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 भी रेडी हो चुकी हूँ, रेडी इन द सेंस साड़ी पहन रही हूँ मैं अभी। तो मैं कैसे पहनती हूँ साड़ी, आप लोगों ने बहुत मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार साड़ी कैसे पहनते हैं वो बताइए। तो क्योंकि मैंने इससे पहले एक बॉडी शेपर प्लस साड़ी शेपर मंगाया था, मैंने सोचा उसके थ्रू आपको एक बार दिखाऊं कि कितना यूज़फुल है, आप उसको पहन भी सकते हैं, अदरवाइज उसके बिना भी आप साड़ी पहन सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि कैसे मैं पहनती हूँ साड़ी। मेकअप तो सब कुछ मैंने कर लिया है, ओनली इयर रिंग्स और हेयर बनाने, लेकिन पहले साड़ी वाड़ी कंप्लीट कर लेते, उसके बाद पूरा लुक कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। तो पहले साड़ी कैसे पहनती हूँ दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो है मैंने शेपर पहना हुआ है जो एकदम न्यूड कलर का है, तो आप इसके ऊपर ये साड़ी शेपर पहन सकते हैं, तो काफ़ी टाइट है, आपको पिंस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो पिंस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले साड़ी का एक साइड लिया और उसको यहाँ से थोड़ा सा अंदर ऐसे कर दिया। तो ये पहनने के बाद, साड़ी शेपर पहनने के बाद देखिए एकदम पूरा जो भी एक्स्ट्रा फ्लश होता है वो बिल्कुल बाहर नहीं आया है। पूरा एक बार चारों तरफ से अंदर घुसा लेना है। उसके बाद जितना आपको पल्लू लेना है उतना लेंथ आप ले सकते हैं। तो जैसे ये पल्लू है तो आप इसकी जितनी हाइट रखना चाहते हैं उतना लंबा ले लीजिए पहले। तो पल्लू लंबा लेने से पहले इसको पूरा एक जगह
इकट्ठा कर लीजिए, लेंथ देख लीजिए, उसको साड़ी के शेप में ऐसे लेके ये जो चीज आई है इसकी अभी हमें फ्रिल्स बनानी है। तो फ्रिल्स दो तीन तरीके होते हैं फ्रिल्स बनाने के। एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं फ्रिल्स, या फिर ऐसे करके तीन उंगली लेके आगे पीछे, मतलब अपनी कन्नी उंगली निकाल निकाल के ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे बनाने के बाद अपने उंगली निकालेंगे तो वही सेम साइज की प्लेट्स आ जाएगी। आपको यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन चाहिए होती है तो यहाँ पे एक बार ऐसे हाथ रख के, या तो पिन भी लगा सकते हैं, उसके बाद एक बार ऐसे उठा लीजिए और यहाँ से जो शुरू हो रहा है वहाँ से प्लेट बनाइए। तो इस तरह से देखिए करीबन 7 प्लेट तक आई है, और आप इसको एक बार पीछे से पूरा खींच के अच्छी तरह स्ट्रेच करके एक बार प्लेट्स को फिर से पकड़ के इस तरह से यहाँ पे एक पिन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली टक कर सकते हैं। तो इसको अभी ऐसे रहने दीजिए जो ढीला है, और यहाँ पे इसको इस तरह से टक कर दीजिए। तो अभी ये जो दोनों ढीला है उसको हमको टाइट करना है, तो यहाँ से हाथ डालिए और इसको यहाँ से खींचिए। और खींच के उसको अंदर टक कर दीजिए। तो ये देखिए जो मैंने इधर से खींचा है वो यहाँ पे आया है, उसको इसमें टक कर दीजिए। और ये एक्स्ट्रा भी नॉर्मली ऐसे टक कर दीजिए। तो ये देखिए अच्छी तरह हो गया। ये बस यही होता है पहनना साड़ी, और उसके बाद ऊपर का पल्लू सेट कर लीजिए। तो इस तरह से आप साड़ी पहन सकते हैं। जब आप फ्लो करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से टाइट पकड़कर ऐसे रख सकते हैं। या तो अगर ये पल्लू की भी आप प्लेट्स लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पल्लू है ऊपर आना चाहिए और नीचे वाला पल्लू नीचे, तो आप जितनी प्लेट्स बराबर आ जाए उतनी ऐसे ऐसे कर लीजिए। अभी देखिए ये बड़ा हो रहा है तो हमको पल्लू का साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। लेकिन देखिए अभी क्या हुआ, इसको ऐसे आना चाहिए था लेकिन ये ऐसे आया। तो दो तीन बार हमको ट्राई करना पड़ेगा। देखिए अभी एकदम यहाँ वाला ऊपर आया और यहाँ वाला ऐसे आया, इस हिसाब से आना चाहिए। और यहाँ एक पिन से आप पिन कर सकते हैं इनको लगा के। ये देखिए मैंने पूरी कंप्लीट साड़ी पहन चुकी है, पूरा रेडी होने के बाद मैं आपके सामने आती हूँ। तो अभी मैं एकदम रेडी हूँ पूरी, मतलब ज्वेलरी क्या, मतलब सिंदूर भी लगाया देखो मैंने आज, और ये वाली इयररिंग्स पहनी है। और इससे पहले जब भी मैंने साड़ी पहनी है हमेशा फ्लो किया है, आज पहली बार वीडियोज़ में जो है स्टेप करके लगाया है। तो मेरे को ज़्यादा फ्लो वाला पसंद है स्टेप से ज़्यादा, आप बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको पूरा एक बार लुक दिखा देती हूँ, और जो भी मैंने मेकअप किया है, आप जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना अगर आप देखना चाहते हैं तो। तो चलिए लुक दिखा देती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये साड़ी का लुक? ऑल दो आई डोंट सेलिब्रेट बट आई एक्सेम्प्लेन द फेस्टिवल। तो जो रेडी वेडी होना है मैं हो जाती हूँ, लेकिन वो सब सेलिब्रेट मिशन कभी किया नहीं है, मुझे आता भी नहीं है।
तो इसलिए मतलब जानकारी सभी रहती है जो मैंने आपके साथ वीडियो की स्टार्टिंग में शेयर कर ली। तो मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं साड़ी में? अगर अच्छी लग रही हूँ तो एक चिपकाव ज़रूर देना, हमेशा की तरह भूलना मत। हाँ, तो अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा बायोटेक का हॉल दिखाने वाली हूँ जिसके प्रोडक्ट्स बहुत ही चीप विथ गुड क्वालिटी है। तो चलिए मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम बहुत ही बड़ा वाला हॉल है, तो बायोटेक के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो लेट मी शो यू वन बाय वन। तो सबसे पहला है ये बायोटेक का शैम्पू जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, प्लस आपकी रीग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगला है ये बायोटेक का मॉइस्चराइज़र, और अगर आप पैकिंग देखेंगे तो बायोटेक के हर प्रोडक्ट की, चाहे वो कोई भी क्रीम हो चाहे कुछ भी हो, सारी की सारी पैकिंग इसी शेप में आती है। चाहे आप मिनी पैकेजेस ले लीजिए चाहे बड़े पैकेजेस ले लीजिए, तो ये पूरे एकदम सिलेंडर वाले शेप में आते हैं सारे के सारे, जो बहुत ही मतलब रखने में भी अच्छे लगते हैं और क्यूट से भी लगते हैं। तो ये जो है ये मॉइस्चराइज़र है जो हर किसी स्किन टाइप के लिए है, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो चाहे आपकी ड्राई स्किन हो चाहे आपकी कॉम्बिनेशन स्किन हो, आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगला है ये बायोटेक का ही हेयर सीरम है। इससे पहले मैंने जो आपको शैम्पू दिखाया था, जो क्वालिटीज उसमें थी वो सेम क्वालिटीज इसमें भी है। आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, प्लस आपके हेयर ग्रोथ में भी, इंटेंसिव हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो ये सीरम है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है ये बायोटेक का फेस स्क्रब, ये पपाया स्क्रब है। इसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स है जो स्क्रबिंग में बहुत हेल्प करते हैं, और आपको वीक में कम से कम 3 बार जो है आपका फेस स्क्रब करना ही चाहिए, एवरीडे बेसिस पे नहीं करना चाहिए वरना आपकी स्किन जो है ख़राब हो जाती है। तो ये पपाया स्क्रब है, एंड पपाया अदरवाइज ऑल्सो आपके स्किन को एकदम फ्लॉलेस बना देता है। तो ये है। अगला है ये बायोटेक का टोनर, कुकुम्बर टोनर है। कुकुम्बर टोनर आप घर पे भी बना सकते हैं अगर आपके पास इतना पेशेंस है, अदरवाइज आप ये बायोटेक का भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत आप बनाने में करेंगे उससे सस्ते में जो है आपके टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको सस्ते में ये भी मिल जाएगा। और टोनर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक लड़की के पास, हर एक इंसान के पास होना चाहिए, चाहे आप मेकअप करो ना करो, बट टोनर इज़ मस्ट। तो दिस इज़ कुकुम्बर टोनर। अगला है ये नीम का फेस वॉश है, ये देखिए, और इसमें पंप दिया हुआ है तो इजी टू यूज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें? तो पिंपल्स आपको अगर आ रहे हैं उसके लिए पहले आपको खुद से जो रेमेडी लेनी होती है वो होती है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी जब तक नहीं पियेंगे तब तक ये एक्ने वाला या पिंपल्स वाला प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो जनरली पिंपल्स आते इसलिए हैं कि आपकी स्किन को ब्रीथ करने का मौका ही नहीं मिलता, आपके पोर्स जो है बंद हो जाते हैं तो हवा बाहर नहीं आ पाती है, तो वो पिंपल्स के रूप में आ जाती है। तो आप पानी पिए उसके बावजूद भी अगर नहीं जा रहे, मतलब बिल्कुल पानी पिए भी ना तो कोई नहीं रहता, थोड़ा तो पीते ही होगे, लेकिन फिर भी आप अगर अपने एक्ने को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आपको नीम के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए जिसमें नीम मिला हो। तो नीम का फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश हो गया, या ये बायोटेक का ये फेस वॉश हो गया, आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नीम आपकी जो है स्किन में से डर्ट पूरी निकाल देता है, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके पिंपल्स को भी एकदम सुला देते हैं और चपटा कर देते हैं, और फिर आपकी बाद में जो है स्किन एकदम नीट हो जाती है। तो ये बायोटेक का नीम फेस वॉश है। उसके बाद आता है ये मिनी सा आपको जो दिख रहा है, ये है एजलेस सीरम। इसको आप अगर लगाएंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या है, थोड़ी बहुत झुर्रियाँ आने लग जाती है, तो आपको उस झुर्रियों से काफ़ी टाइम तक दूर रखने वाला है ये प्रोडक्ट, जो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाना है। मॉइस्चराइजिंग हम करते हैं अपनी फेस की सबसे पहले, लेकिन आपको मॉइस्चराइजर को लगाने से पहले इसको लगाना है, और आपको सुबह और शाम को लगाना है इसको, और थोड़ा सा 2 ड्रॉप लेके आपको इसको मसाज करना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई वुड से, जो आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है ये वाला। अगला है ये प्रोडक्ट, इसके ऊपर क्या लिखा है एक बार आप पढ़ लीजिए, तो मैं बता देती हूँ अगर आपको नहीं दिखाओ। वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक। तो ये एक फेस पैक है, ये देखिए खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है, और इसको आपको जनरली आप जो भी फेस पैक लगाते हैं, पॉक फेस पैक लगाते हैं, उसी तरह से लगाना है, और 15-20 मिनट रख के उसको पोंछ के आपको साफ कर लेना है। टॉवल को कभी भी रगड़ना नहीं होता आपके फेस को, बस ऐसे डैप करके साफ करना है। तो आप इसको डेली भी लगा सकते हैं अगर आप अपने फेस में और थोड़ी ब्राइटनेस लाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है कि ये वाइटनिंग में हेल्प करता है प्लस डी पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला है ये
नाइट क्रीम, ये एक नाइट क्रीम है जो आप नाइट में लगा सकते हैं। और इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है वो है वीट का, गेहूं जो होते हैं उससे बना हुआ है ये। हम जब घर में भी कुछ ना कुछ DIY करते रहते हैं तब हम आटे से भी मिक्स करके बहुत सारे जो है फेस पैक्स या क्रीम्स या स्क्रबिंग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और डब्बों का जो शक्ल है, जो ढांचा है, वो सारा एक जैसा है, तो आपको लग रहा होगा कि एक ही जैसे डब्बे दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। अगला है ये छोटू सा, क्या लगता है सबसे छोटा क्या होता है हमारे प्रोडक्ट में? लिप बाम। तो ये लिप बाम है, फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट का मिक्सचर है ये लिप बाम, और आपके लिप को जो है एकदम मॉइस्चराइज करता है और आपको पिंक कलर देने में बहुत हेल्प करता है नेचुरली। तो ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसा है, ये देखिए स्मेल तो काफ़ी अच्छी है इसकी भी। तो ये छोटू सा कितना क्यूट लग रहा है। और अगला है ये वाला क्रीम, ये वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम है जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इससे पहले जो मैंने क्रीम दिखाई थी आपको वो जैसे कि नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के लिए थी, लेकिन ये जो है ये ऑल टाइप्स के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस पर जो इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज़ हुए हैं उनकी पिक्चर्स भी दे रखी है, और इस पर ये क्लियरली लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मतलब ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, इट हैज़ अ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज, इट हैज़ अ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी, मतलब ये आपकी स्किन को जो है थेरेपी के साथ ठीक करता है, तो इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अभी बायोटिक के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली आपको कम रेट में मिलेंगे बाकी प्रोडक्ट्स के, वो रीज़न इसलिए क्योंकि ये बायोटिक के प्रोडक्ट जो है मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है इनकी रेट्स भी बढ़ रही है। इसका इफेक्ट इतना अच्छा है कि कल को जब आप खरीदना चाहेंगे तब भी आप खरीद नहीं पाएंगे, तो अगर आप अभी खरीदेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। कल जब भी ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा तब शायद आप इसको खरीद ना पाएं, इसलिए आप अभी जो है ये सारी जो भी मैंने आइटम्स दिखाएं इसमें जो आपके स्किन को सूट होता है या जो भी आप अभी परचेज कर सकते हैं, तो लिंक्स आप पक्का चेक कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो यू कैन डिसाइड कि आपको इतनी क्रीमों में से कौन सा फेस वॉश लेना है, कौन सा स्क्रब लेना है, कौन सी क्रीम लेनी है या कौन सा लिप बाम लेना है, आप जज कर सकते हैं इन सारी लिंक्स को चेक कर। और ये एक छोटा सा फेस वॉश है, एडवांस फेयरनेस फेस वॉश है ये छोटा सा, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल फ्रूट्स। जनरली जो भी फ्रूट्स के साथ मिक्स होकर फेस वॉश आते हैं वो आपके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, उसका रीज़न भी ये है क्योंकि पहले मैं इतना स्ट्रिक्टली अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करती थी, कुछ भी लगा लेती थी जो होता था, मतलब प्रॉपरली एक टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता था, लेकिन अब मतलब काफ़ी टाइम से एकदम प्रॉपरली चलता है सब कुछ, सनस्क्रीन, टोनर, एवरीथिंग, इट गोज़ वेरी प्रॉपरली। तो इसलिए मेरी स्किन आप स्टार्टिंग के वीडियोस में देखिए और अब के वीडियोस में देखिए तो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन दैट। यहाँ पे मेरे को थोड़े थोड़े ब्लैक से जो बोलते हैं ना उसको छोटे छोटे टैग्स भी थे वो भी सारे निकल गए, मैंने कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं लिया। तो ये सारी जो क्रीम्स है या स्किन केयर रूटीन है, और कोरियन स्किन केयर एक ऐसा रूटीन है वहाँ के, इसको कोरियन स्किन केयर का इतना नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं अपनी स्किन केयर को बहुत ही प्रॉपरली फॉलो करते हैं। अगर 7 स्टेप्स है या 8 जितने भी स्टेप्स है तो वो डेली सुबह शाम जितने भी टाइम होता है प्रॉपरली करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जो कोरिया के लोग होते हैं वो बहुत एज्ड होते हैं लेकिन फिर भी उनकी एज बहुत हमको कम लगती है और उनकी स्किन में कोई भी फ्लॉ नहीं होता है। तो इसलिए आपको भी अपनी बॉडी को, अपने स्किन को एक प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है, अपनी बॉडी से अपने आप से बहुत प्यार करना ज़रूरी है, तभी जो है आप अपनी स्किन में ग्लो एंड चेंज देख पाएंगे। बायोटिक का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख के पता लग गया होगा, ये एक फेशियल किट है, जो ग्लो फेशियल किट है ये। और इसमें क्या क्या आइटम्स दिए हैं मैं बताती हूँ, पपाया स्क्रब है इसमें, क्लोव पैक है यानी वो जो होते हैं ना क्लोव उसका पैक है, सैफ्रॉन मसाज जेल है, देन सैफ्रॉन यूथ ड्यू क्रीम। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्री स्विस मैजिक डार्क स्पॉट करेक्टर है। तो ये 5 चीज़ें आपको इसमें आई है जो आप 2 बारी फेशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा क्वांटिटी कम करके यूज़ कर सकते हो तो 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आपको देखिए इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं,
तो सारे कितने क्यूट क्यूट बॉक्सेस है, देखिए ये सैफ्रन मसाज जल है। तो जब ये बॉक्सेस ख़त्म भी हो जाए तब आप इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। आप अपने आप से जो भी DIYs बनाते हैं आप वो DIYs बना के इनमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत स्टर्डी एंड बहुत स्ट्रॉन्ग डब्बे, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ किया और उसके बाद पिचक गया, ऐसा नहीं है। तो आई एम गिविंग यू अ ग्रेट ऑप्शन दैट यू कैन रीयूज़ ऑल दीज डब्बास। तो ये एक फेशियल किट है, इससे पहले भी मैंने एक फेशियल दिखाया हुआ है। अगर आप डिटेल में दोबारा फेशियल देखना चाहते हैं तो मुझे बताना, मैं इस वाले फेशियल किट से पूरा फेशियल आपको करके दिखाऊंगी। अभी बायोटेक के प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, उस पर फ्लैट 35% ऑफ चल रहा है, प्लस अगर आप वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो 20% ऑफ है। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको करीबन 15% ऑफ मिलेगा। तो कूपन कोड पक्का यूज़ करिएगा, क्योंकि ऑफ जब चल रहा होता है उसके साथ आप इस ऑफ को कोलैबोरेट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी सोचिए, अगर एक 150 का अगर आप कोई फेस वॉश लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसके ऊपर 35 प्लस 15, और अगर आप वेबसाइट से लेते हैं तो 20, तो टोटल देखिए आपको 50% के आसपास का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि आपको वो चीज़ आधे से भी आधे रेट में मिल रही है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। तो लिंक्स चेकआउट कर लीजिए, आपको कोई ना कोई आइटम तो पक्का पसंद आएगा और कोई ना कोई तो आप ख़रीदना चाहेंगे जो बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा आपको। तो चलिए अभी बाकी काम देख लेते हैं, बच्चे तो सो रहे हैं तो जगह है कि नहीं, थोड़ी मेरे को साउंड आ रही है, जग गए लगता है, तो देखती हूँ मैं। तो मैं बेडरूम में आई हूँ और ये देखो क्या कर रही है दोनों के दोनों। ओय, तो देखो जग के उन्होंने हल्ला मचाना भी शुरू कर दिया। और साड़ी ज़्यादा देर मैं पहन के नहीं रख सकती क्योंकि अभी वो फिर बाथरूम में जाएंगे, कहीं जाना है तो गीली हो जाती है। और वैसे अच्छी लग रही है ना, मैं आपको, आप टीवी में देखो पीछे से दोनों तरफ से दिखेगा आपको। तो मिरर इमेज भी दिखा दी आप लोग को मैंने। तो चलिए अभी चेंज कर लेती हूँ मैं, अपने कपड़े चेंज कर लिए। चेंज करते इतना सुकून आते हो, और नाइटी में जितना सुकून आता है उसमें किसी में नहीं आता है। और आज बहुत दिनों के बाद पहनी है मैंने डे टाइम में, तो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स लग रहा है। और जब तक मैं देखती हूँ ये लोग घर का जो है खंडर बना देते हैं, तो मेरे को भी ये सब ठीक करना है और साड़ी भी फोल्ड करनी है और थोड़े जो मेरे वार्डरोब्स है वो भी ठीक करूँगी मैं। ये देखो मैं कैमरा लगाती हूँ तो ये कूदना शुरू हो जाता है, अभी ठीक कर लेती हूँ मैं। बाकी सब तो शेल्फ में ठीक है, उस दिन मैंने सबसे बॉटम वाली शेल्फ जो खाली करी थी तो इन्होंने बाकी शेल्फ के कपड़े भी इसमें डाल दिए, तो मैं वो निकाल के जहाँ का जो था वो रखने वाली हूँ अभी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा मेरा वार्डरोब अरेंज कर लिया है, और ऊपर का तो आपने देखा ही हुआ है। तो अरेंज करने में वैसे काफ़ी टाइम लग गया, और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि वो बार बार टीवी का साउंड लगा दे रहा है आदित्य, और देख वीडियो देखने में तो बस वो चीज़ें देखने में 2 मिनट लगते होंगे, लेकिन अरेंज करने में तो आपको भी मालूम है कोई भी अपना घर अरेंज करे तो काफ़ी टाइम लगता है। कब से कर रही थी, अभी मेरी शेल्फ खाली हुई है और बाकी शेल्फ भी नीचे की सारी अरेंज करनी है, क्योंकि इन्होंने जब अंदर रखा तो इस वाली शेल्फ का सामान उसमें, उसका इसमें, ऐसे करके रख दिया था। तो अभी सॉर्ट कर रही थी मैं, तो थोड़ा बहुत सॉर्ट कर दिया और मेरे वाले पहले अरेंज कर दिए। अब
बाकी भी अरेंज करूँगी मैं लाइन बाइन। तो रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से बेटर है, एक साथ आप सारा काम लेके बैठोगे ना तो बोर हो जाओगे, फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और बहुत कुछ हो जाता है, आपको तो मालूम है ऑर्गेनाइजिंग कैसी होती है। तो देखो भाई साहब भी पधार चुके हैं बॉटल लेके, और अभी ये बॉटल से पीना छोड़ नहीं रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बिना दूध के उसको छोड़ नहीं सकती। तो जब तक पीता है पीने दो, क्योंकि एवरी टाइम वेन एवर आई गिव हिम तो मैं उसको पूरा अच्छी तरह जो है स्टेरलाइज करके ही देती हूँ, नॉर्मली नहीं देती हूँ। और शाम के खाने की भी तैयारी करनी है अभी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो डू चिपकाओ, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी कैचिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अभिषेक से बाय बाय, बाय बाय, सी यू टुमारो।